हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर असाइनमेंट शेयर करने वाली हूं। अगर आप डीएलएड ट्रेनी हैं या आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकंड ईयर में हैं, आपके करिकुलम में हिंदी के ये असाइनमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको कोई भी 5 शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM बनाने होते हैं और उसके ऊपर असाइनमेंट फाइल प्रिपेयर करना होता है कि आपने जो TLM बनाया है वो आपने क्यों बनाया है, आप उससे किस टॉपिक को पढ़ाएंगे, आप उससे कैसे उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, उस TLM को यूज करने का आपका उद्देश्य क्या है। ये सारे बिंदुओं पे आपको अपने इस असाइनमेंट में चर्चा करनी होती है। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ये असाइनमेंट फाइल आपके साथ शेयर करूं। सो फाइनली टुडे आज मैं आपके लिए ये फाइल लेकर आई हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि आप हमेशा करते हो, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। एंड गैस, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के बहुत सारे असाइनमेंट्स, फाइल्स, लेसन प्लान्स DLED से रिलेटेड आपको मेरे इस चैनल पे मैं प्रोवाइड कराती हूँ। इन आप उन्हें ज़रूर जाके चेकआउट करें। उसके अलावा अगर कोई फाइल, कोई असाइनमेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका लिंक आपको मेरे YouTube के ही अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स भूमिका फ्रॉम डाइट मोतीबाग फॉर शेयरिंग दिस फाइल विथ अस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पर मैंने हेडिंग दी है शिक्षण सहायक सामग्री, जिस पर मैं बताऊंगी कि ये होता क्या है, TLM क्या होता है। हिंदी का असाइनमेंट है तो कोई ये मत बोलना कि ये फाइल इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूं क्योंकि ये हिंदी का असाइनमेंट है, तो हिंदी में ही लिखेंगे। खैर ये सिर्फ एक जोक था जो कि बहुत गंदा था, सो डोंट माइंड। स्टार्ट करते हैं। पाठ को ठीक से समझने व समझाने के लिए एक शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो है ही, एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इसमें जुड़ गई है। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है बल्कि सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपनी स्मृति पटल में संजोए रखने में भी सहायक करता है। दूसरी तरफ शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है, परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी क्लास का माहौल पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, उसकी क्लास इनोवेटिव हो एंड बच्चों को भी टॉपिक समझ में आए जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था शिक्षण सहायक सामग्री पे। इसके बाद हमें, अगर हम हमारा करिकुलम देखें, DLED का सिलेबस देखें, तो उसमें लिखा है कि हमें 5 TLM का निर्माण करना है और उसके ऊपर हमें रिपोर्ट बनानी है। सो इस वीडियो में हम 5 TLMs के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो TLM हमारा है वो है विलोम शब्द का चार्ट। ज़रूरी नहीं है विलोम शब्द का चार्ट, बेसिकली यहाँ पे जो बताने का प्रयास किया गया है वो है चार्ट, कि चार्ट को भी हम एज अ TLM यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्रस्तावना में हम लिखेंगे, हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत हमें हिंदी विषय के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण हेतु सौंपा गया है। अपने परियोजना कार्य के अंतर्गत मैंने इसे प्राथमिक स्तर के लिए विलोम शब्द का चार्ट शिक्षण सहायक सामग्री तैयार किया है। इस शिक्षण सहायक सामग्री को मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि छात्र विलोम शब्द को सीख सकें तथा उसका अर्थ समझ सकें। विलोम शब्द जैसे दिन रात, काला गोरा, गर्म ठंडा इत्यादि। सहायक सामग्री के अध्ययन से
छात्रों को खेल खेल में विलोम शब्द का ज्ञान होगा। सो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लिखेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, जिसको हमने पॉइंट्स में लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विलोम शब्द सिखाने में सहायक है। सेकंड, इस सहायक सामग्री का प्रयोग करके छात्र आसानी से विलोम शब्द को पढ़ व समझ सकते हैं। देन थर्ड, छात्र आसानी से विलोम शब्द का चार्ट देखकर चित्रों के साथ शब्दों की पहचान कर पाएंगे। देन फोर्थ, बच्चे इसके द्वारा विलोम शब्द पढ़कर खुश होंगे व खेल खेल में सीख पाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य, कि हम इसको पढ़ाने का, चार्ट के थ्रू पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। सो फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों को हिंदी भाषा में विलोम शब्द का प्रयोग कराना। सेकंड, छात्रों को पाठ्य सामग्री पढ़ने में योग्य बनाना। थर्ड, छात्रों को शिक्षण के दौरान सक्रिय बनाना। फोर्थ, बच्चों में खेल खेल में सिखाना, यहाँ पे आएगा बच्चों को खेल खेल में सिखाना। देन नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य को आनंदमय व मनोरंजन पूर्ण बनाना। देन नेक्स्ट है, बच्चों को विलोम शब्द सिखाकर उन्हें उनके दैनिक जीवन में उपयोग कराना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम नेक्स्ट TLM के ओर बढ़ेंगे। आपको यहाँ तक बेसिक फॉर्मेट पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना ये असाइनमेंट बनाना है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट TLM की ओर, जो कि हमारा है फ्लैश कार्ड। आप फ्लैश कार्ड का ज़रूरी नहीं है कि हिंदी भाषा सिखाने में ही प्रयोग करें, आप अन्य भाषाओं को सिखाने में भी फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्लैश कार्ड्स के बारे में हमने क्या लिखा है। तीन व दो अक्षरों के मेल से बने शब्दों को सिखाना। ये जो फ्लैश कार्ड है, ये छोटी क्लासेस के लिए है, लाइक फर्स्ट क्लास के लिए है। हम तीन तीन अक्षरों के फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे और उनको मेल करके एक नया शब्द बच्चों को सिखाएंगे, जैसे कि क म ल कमल। इस तरीके से हम बच्चों को तीन अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना सिखा सकते हैं फ्लैश कार्ड की सहायता से। प्रतिवेदन में हम लिखेंगे, बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा ही बच्चे उस विषय को अच्छे से सीखने में समर्थ होते हैं। उस चीज़ का ज्ञान व समझ भी बढ़ता है। बच्चे तीन अक्षरों के शब्दों को जान पाएंगे, जैसे सड़क, कमल, जलज, महल इत्यादि। इन सहायक सामग्री के अध्ययन से बच्चों को नए शब्दों को सोचने की क्षमता भी विकसित होगी। यह शिक्षक सहायक सामग्री बच्चों को तीन अक्षरों के मेल से संबंधित शब्दों को सिखाने में बहुत सहायक है। देन हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को यह विषय पढ़ाते समय इस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगी। इस फ्लैश कार्ड के उपयोग से बच्चे तीन अक्षरों के शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को आसानी से जान पाएंगे। फ्लैश कार्ड का उपयोग करके हर बच्चों से अक्षरों के बारे में भी पता किया जा सकता है कि उन्हें अक्षरों का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, बच्चे भी तीन अक्षरों के मेल वाले शब्दों को सीखने के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे। देन हम बात करेंगे उद्देश्य की। सो फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ना सिखाना। नेक्स्ट, छात्रों को हिंदी भाषा में तीन अक्षरों के मेल से बने शब्दों को सिखाना। थर्ड, छात्रों को पाठ्य सामग्री पढ़ने योग्य बनाना। नेक्स्ट, छात्रों को दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले तीन शब्दों को सिखाना। देन नेक्स्ट, छात्रों को जानने की इच्छा प्रकट करना सिखाना। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, छात्रों की समझने की शक्ति विकसित करने में भी सहायक है।
लास्ट पॉइंट, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। इस असाइनमेंट में छोटी छोटी सी कुछ मिस्टेक्स हैं, सो इसीलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो के थ्रू अपना असाइनमेंट बना रहे हैं, सो थोड़ा ध्यान से देख के बनाएंगेगा। देन नेक्स्ट हमारा टीएलएम जो है नंबर थर्ड, वो है जानवरों के मास्क। कहानी के लिए, जैसे अगर आप कोई भी कहानी पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप उनका फेस मास्क भी बनवा सकते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा टीएलएम है। आप बच्चों को उस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो और आप फेस मास्क के थ्रू उस कहानी का रोल प्ले भी करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने लिखा है कहानी के लिए शेर, लोमड़ी और हाथी। कोई कहानी होगी शेर, लोमड़ी और कहानी जिसमें कैरेक्टर्स होंगे, तो हम बच्चों को उनके मास्क बना के भी पढ़ा सकते हैं। प्रतिवेदन, जानवरों का मास्क हिंदी में कक्षा 3 का पाठ है, जिसमें जंगलों के जानवरों व लोमड़ी मक्खी के बारे में बताया गया है। जिस पाठ की यहाँ पे बात हो रही है, उस कहानी का लेसन प्लान चैनल पे अवेलेबल है, सो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी कहानी को पढ़ाने के लिए मैंने बच्चों को दिखाने के लिए उनके मास्क बनाकर उपयोग किया, जैसे शेर, लोमड़ी, हाथी, मक्खी का मास्क, जिससे बच्चों को ये कहानी आसानी से समझ आ जाएगी। बच्चों में नया ज्ञान भी उत्पन्न होगा, इससे बच्चों में कहानी सुनने के लिए उत्सुकता बनेगी तथा उनका उपयोग करने के लिए अध्यापक से मांगेंगे। इससे कहानी मनोरंजन पूर्ण सुनाई जा सकती है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। छात्रों को कहानी सुनाने से पहले छात्रों को कहानी के पात्र बताऊंगी, जानवरों के मास्क दिखाकर जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को एक एक पात्र यानी जानवरों का बताऊंगी कि उन्होंने कहानी में क्या क्या बोला। थर्ड पॉइंट, बच्चों को मास्क पहनाकर हर एक को कहे गए वाक्य समझाऊंगी, जिसे बच्चे कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देन लास्ट पॉइंट है, इससे बच्चे खेल खेल में जानवरों के नाम व पहचान के साथ कहानी सीख पाएंगे। अब ये टीएलएम बना के ये पाठ पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है? तो पहला पॉइंट है, छात्रों में कहानी सुनने की आदत विकसित होगी। सेकंड, कहानी को लंबे समय तक याद रखने में सक्षम बनाना। थर्ड, सीखने की गति में सुधार करना। फोर्थ, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। देन सेकंड लास्ट पॉइंट, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। लास्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट उद्देश्य है वो है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टीएलएम की, तो ये हम कविता के लिए यूज कर रहे हैं, पतंग का चित्र। आप एक पतंग कविता है प्राइमरी क्लास में, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को पतंग बनाना भी सिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो आप पतंग बनाना बच्चों को सिखा रहे हो वो एज अ टीएलएम आपके लिए काम करेगी। तो प्रतिवेदन में यहाँ पे मैंने लिखा है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके बच्चों को किसी भी विषय के बारे में आसानी से सिखाया जा सकता है। इसी के द्वारा बच्चे में ज्ञान व सोचने की क्षमता का भी विकास किया जा सकता है। मैंने बच्चों को कविता पढ़ाने के लिए एक पतंग का चित्र बनाया, ताकि मैं जो कविता सुनाऊंगी वो अच्छे से समझ में आ सके। कविता का नाम पतंग है, तो मैं ये पढ़ाने के लिए कविता से पहले पतंग की जानकारी देना बहुत आवश्यक समझती हूँ। यहाँ पे अभी तक हमारा जितना भी असाइनमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में असाइनमेंट में बातें रखी गई हैं। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, आप अपने फ्रेंड से, टीचर से जिस भाषा में जिस तरीके से बात करते हैं, सेम उसी तरीके को यहाँ पे पेपर पे लिख दिया गया है। सो ये असाइनमेंट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से
ये असाइनमेंट बनाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो 5 TLM मैंने यूज़ किए हैं, मैंने बताए हैं, आप उन्हें ही लें। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी TLM ले सकते हैं और उस पर इस तरीके से इस वीडियो की हेल्प लेकर अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोग के बारे में कि हमने जो पतंग का चित्र बनाया है हम उसे किस तरीके से यूज करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को पतंग कविता पढ़ाते समय उन्हें एक रंग बिरंगी पतंग का सुंदर चित्र दिखाऊंगी। सेकंड, बच्चे पतंग का चित्र देखकर उसे तुरंत बनाने व कविता सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, बच्चों को पाठ कविता सिखाने के लिए बहुत सहायक होगा यह चित्र तथा बच्चे इसे पहचान पाएंगे। लास्ट पॉइंट है, बच्चे पतंग का चित्र देखकर खुश होंगे और अपनी कहानी सुनाएंगे। इसके बाद हम उद्देश्य लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे पढ़ाई के माध्यम से खेल कूद में भी भाग लेंगे, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। थर्ड पॉइंट, छात्रों में उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करना। फोर्थ पॉइंट, बच्चों को खेल के माध्यम से अच्छे गुणों व सभ्य व्यवहार विकसित करना। लास्ट पॉइंट, बालक का ध्यान अध्ययन कविता की ओर केंद्रित करना। इसके बाद यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है, बट कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं TLM के बारे में कि TLM हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम उसे क्यों यूज करते हैं अपने टीचिंग में। बस इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं इस असाइनमेंट के लिए। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आपको कोई और असाइनमेंट फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।